जो क्रिएटिव लोग होते हैं जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूजिकल लोग हैं. आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है. क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी. शाहरुख खान के स्टेटमेंट पर उठ खड़े हुए हैं कई सवाल. एसआरके के इनटॉलरेंस पर दिए गए स्टेटमेंट से हैं कुछ लोग नाराज. रिसेंटली शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर किए गए मीडिया इवेंट में करंटली इंडिया में इनटॉलरेंस की सिचुएशन के बारे में रखे थे अपने व्यूज. और ये सुनकर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने जाहिर कर दी अपनी नाराजगी. ये ट्वीट्स देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कैसे किया उन्होंने शाहरुख खान को टारगेट. शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है. उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है. भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है. शाहरुख ने असहिष्णुता का राग पाकिस्तान व भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है. जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए तब शाहरुख खान कहाँ थे? जब मुंबई पर 2611 को हमला हुआ तब शाहरुख कहाँ थे? एक तरफ जहाँ शाहरुख को मिल रहे हैं नेगेटिव रिस्पांस टू हिज कमेंट्स, वहीं इंडस्ट्री में कुछ लोग जरूर हैं हु कंप्लीटली अग्री विद व्हाट किंग खान इज सेइंग. देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट एट द मोमेंट. इट्स नॉट द काइंड ऑफ कंट्री वेयर वी वांट टू स्टार्ट गेटिंग वेयर वी वांट टू बी स्केयर्ड ऑफ सेइंग थिंग्स. सो आई होप दैट यू नो वी डू get over this time of intolerance. Yeah. शाहरुख खान पर किए अपने ट्वीट्स पर खड़े हुए बवाल की वजह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट्स तो हटा ही दिए हैं और ये भी कहा है कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था. कहीं ना कहीं जो भी हो, एसआरके फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मोबाइल.